थैंक यू सर। हवा आने दे। भाई साहब और एक बहुत ही अहम मुद्दा सोशल जी सर जाना चाहते हैं आपकी एसोसिएशन बामला सर मेरी आसिफ भाई के साथ बामला फाउंडेशन के साथ बहुत पुराना एसोसिएशन है और मैं थैंकफुल हूँ इनका कि ये हमें गाइड करते रहते हैं और मुझे बहुत अच्छा फील होता है जब भी हम लोग कोई भी छोटा मोटा कोई एफर्ट करते हैं एनवायरनमेंट के लिए बिकॉज आज ये बड़ा ज़रूरी मुद्दा है और जो भी हम लोग करते हैं थोड़ा बहुत और आसिफ भाई हमसे करवाते हैं एक्चुअली हमें गाइड करते हैं सो अच्छी बात है लोगों में अवेयरनेस आएगी और लोग इस चीज़ को समझेंगे कि ये कितना ज़रूरी है सो अच्छा लगता है किसी अच्छे कॉज के साथ जब आप जुड़ते हैं जी जी मेरे सारे सपने पूरे कर रहे हैं ये तो गाना भी गाया जी हाँ वो एक्चुअली शान सर ने गाया है तो मैंने भी शान भी आ गए उनको भी बुला शान पाजी अरे भाई कैसे कम ये मेन सिंगर तो यही है नहीं तो मैं फंस जाऊंगा तो शान सर ने थोड़ा सा एक आध लाइन मुझसे भी गवाई है नदीम थोड़ा पीछे तुम्हारा यही प्रॉब्लम है तो शान भाई ने वो गाना गाया और आई एम वेरी थैंकफुल एंड ग्रेटफुल एंड फिनाले बजाने का आपने किया मौका मिला सो शान भाई ने मुझे गवा दिया दो लाइनें मैंने गा दी इसमें सो बहुत लोगों ने देखा उसको बहुत अच्छे व्यूज मिले हैं और वी आर हैप्पी मिलियंस ऑफ व्यूज एंड स्टिल गोइंग वी आर काउंटिंग ऑन दैट और क्या कहना चाहेंगे तो इतनी इतना अच्छा रिस्पांस एक सोशल नहीं बिल्कुल और टू हैव द अपॉर्चुनिटी टू मतलब कपिल शर्मा डेब्यूइंग एज अ सिंगर दो लाइन ही सही लेकिन हम बामला फाउंडेशन के लिए और इस कॉज के लिए खास उन्होंने अपना योगदान दिया अपना वक्त दिया एंड ही सच अ पॉपुलर इन्फ्लुएंसर आज जो यूथ से लेकर मतलब 6 से लेकर 60 तक हर कोई यू नो दे लव हिम सो मच 70 वाले भी नहीं 70 वाले भी बिल्कुल 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 60 तो अभी भी जवान है वैसे 70 वाले भी और कुछ ऐसे कुछ सोशल कॉज रहेंगे और जो ऑलवेज दे नहीं अगर आप उन्हें फॉलो करते हैं तो उनके हमेशा सारे मैसेजेस कहीं ना कहीं ही मेक्स अ स्ट्रॉन्ग सोशल पॉइंट बिल्कुल हम फॉलो करता हूं और जो भी वो कहते हैं जी जी और हम लोग कोशिश रहती है कि कुछ ना कुछ ऐसा करते रहें क्योंकि हमारा थोड़ा सा भी अगर कंट्रीब्यूशन होता है अगर लाखों लोग उसको देखते हैं आप लोगों के जरिए तो एक एक अच्छा मैसेज जाता है लोगों को और मुझे लगता है और भी लोग जुड़ेंगे इस बात के साथ Disappearing. What are you looking wonderful? You? अभी सारे कैमरास तो आपके कनिका के ऊपर होंगे तो हम जा सकते हैं कितना मुश्किल होता है और कितना आसान होता है मतलब जब मैं आपकी बात करूं सबसे मसरूफ शख्सियत होंगे मेरे ख्याल जी और इस तरह के इवेंट पे आना कैसे वक्त निकाला जाता है सर अच्छा लगता है जैसे मैंने कहा कि अगर कोई हमें हम अगर कोई छोटा सा एफर्ट करते हैं किसी चीज़ के लिए और ये बात हमें भी पता है कि आप लोग यहाँ पे मौजूद होंगे और इसके जरिए अगर लोगों तक ये बात पहुंचती है और लोग भी इस काम में आगे आएँ तो अच्छा लगता है कि हम लोगों ने एक शुरुआत की है और वंस अगेन आई वुड लाइक टू से थैंक्स टू आसिफ भाई कि भामला फाउंडेशन के जरिए हम लोगों ने एक छोटा सा एफर्ट किया हम सब ने गाना गाया और उसमें उसका वीडियो भी शूट किया और आज उसको अच्छा अप्रिशिएट कर रहे हैं लोग तो अच्छा लगता है चिट्टियां कलाइयां वे आशी अब अगली बार वी हैव टू मेक अ सॉन्ग लाइक दैट नहीं नहीं वी हैव टू कपिल ने कनिका ऑन दिस प्रोजेक्ट बट कनिका वाज विद अस इन द टिक टिक प्लास्टिक प्रोजेक्ट तो विद कनिका एंड कपिल हियर तो वी हैव कवर्ड बोथ द इयर्स इन फैक्ट ऑफ बामला फाउंडेशन तो गाना तो वैसे थोड़ा सा मुनाई देते हैं जो अभी का जो गाना बना है थोड़ी हवा आने दे ताजी हवा आने दे थोड़ी हवा आने दे ताजी हवा आने दे क्या वाह वन टेक ओके लिरिक्स आल्सो
अब इतने योद्धाओं के बाद मेरा नंबर कम लगा रहे ढूंढे से नहीं मिल पाते हैं कपिल या शान की बात करें जितने भी दिग्गज हैं इन्हें कैसे मैनेज करते हैं आप सही मन से ढूंढिए काम के लिए ढूंढिए ये बिल्कुल मिल जाएंगे कपिल जी इतने बिजी शेड्यूल में थे अपने शूट्स के दौरान उन्होंने कहा नहीं पर्यावरण का विषय है आशीष जी और मुझे पता है कि पर्यावरण एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जिसके लिए और ये अच्छी बात है आज देश के प्रधानमंत्री जी भी 15 अगस्त के दिन रेड फोर्ट से उन्होंने सिंगल यूज प्लास्टिक का बैन का उन्होंने अनाउंसमेंट किया अगर आपको पता है तो हर शख्स इसकी बात कर रहा है लेकिन कुछ लोग काम कर रहे हैं तो हमारा जो ये फिल्म का जो गाना है अपनी जगह लेकिन ग्राउंड वर्क हर वीक चलता है बीच क्लीनिंग हो अपने मैंग्रोव का क्लीनिंग हो सेग्रीगेशन ऑफ गार्बेज हो ये सब जो काम है उसके लिए एक अलग टीम है लेकिन ये जो आउटरीच है आज कपिल शर्मा कुछ कहता है तो एक स्टेटमेंट बन जाता है शान अगर कोई चीज़ कहते हैं तो उनके चाहने वाले जो है उस बात पर अमल करते हैं और ज्ञान से वैसे भी लोग बोर हो गए लोग अभी ज्ञान से बोर हो गए तो संगीत से के माध्यम से हम अपनी बात रख रहे हैं और उसका एक इफेक्ट एक उसका आउटरीच इतना बढ़ गया कि आई एम सो ग्रेटफुल कपिल जी एंड शान जी एंड कनिका जी कनिका जी ने कनिका कुछ बोलना चाहेंगी उसके ऊपर नहीं मुझे मुझे ये लगता है देखिए दोनों चीजें जो मैंने भी न्यूज में ही देखा है कि जो पेड़ कट रहे हैं मेट्रो की वजह से जो काटने पड़ रहे हैं सो आई थिंक हमारी जो गवर्नमेंट है वो बहुत समझदार है वो सोच समझ के कोई डिसीजन लेंगे बिकॉज क्योंकि मेट्रो भी ज़रूरी है बनाना और पेड़ों को बचाते हुए कैसे वो इस यू नो इम्प्लीमेंट करेंगे इस प्रोजेक्ट को सो ये उनके ऊपर है इसीलिए तो हमने चुन के उनको बिठाया है अगर ये डिसीजन हमें लेना तो फिर हमें पर नहीं ऑन ए सीरियस नोट हाँ और इस पर काफ़ी आर्ग्यूमेंट्स काफ़ी मतलब सवाल विवाद चल रहा है लेकिन अब तक हमें कोई ये बात नहीं बता रहा कि इसकी ऑल्टरनेट शेड कहाँ बन सकती है बीच का कोई रास्ता बन जाए तो देन हम सब वो उस बात को लेकर और मन कर सकते हैं कि नहीं मेट्रो को यहाँ मत बनाएं वहाँ कीजिए लेकिन वो मतलब कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है और लोग बस प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो वो मैं भी जरा कंफ्यूज हूँ कि अगर कोई सही सोल्यूशन दे दें तो डेफिनेटली हम भी नहीं चाहेंगे कि पेड़ कटे और कटना नहीं चाहिए मेट्रो भी बहुत सर किसी को गवाना हो तो मैं अपना नंबर दे जाता हूँ मुझे ऐसा हम लोग आपस में कोई साथ में गाते हैं तो और सिंगली उस प्लास्टिक की बात आज ही हुई थी हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया था तो दो लाइन मिलकर वो भी लाइन थोड़ा गुनगुना देते प्लीज टिक 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 कसम ये खाए रे टिक 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 प्लास्टिक टिक ना पाए रे हमारे स्केल से लगोगे बट दैट वाज अ सॉन्ग ऑफ कोर्स एंड विजय फ्रॉम रावत के भाई जी जी दे आल्सो सपोर्टेड द कैमेल एंड शी सर दैट्स कनिका जी एंड शान आई सर भैया फोटो दे दीजिए मेरा सोलो का ही ले लीजिए फिर यूथफुलनेस का ईयर होता है तो 22 साल में भामला फाउंडेशन पहुंच गया इसका मतलब अभी रियल एक्टिविटी ऑफ अ यूथ विल स्टार्ट नाउ सो द भामला फाउंडेशन इज डूइंग वंडरफुल जॉब आई मस्ट से दैट ऑल काइंड ऑफ एक्टिविटीज इंक्लूडिंग एनवायरमेंट इंक्लूडिंग सप्लाइंग द सब्सिडी टू द पुअर्स एंड गिविंग द फैसिलिटीज टू द नीडीज ऑल दिस थिंग्स हैज बीन कवर्ड बाय द भामला फाउंडेशन एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट द कैंपेन विच वॉज बीन रन बाय भामला फाउंडेशन ऑन प्लास्टिक and ban anti-plastic, where our Honorable Prime Minister Narendra Modi has also appealed, I also feel that Bhamla Foundation will do
a very wonderful job as far as plastic ban is also concerned. गणपती मध्ये पर्यावरण आणि संरक्षण हे महत्त्वाचे मुद्दे आहेत आणि त्यामुळे पर्यावरणाला पूरक गणेशोत्सव या आवश्यकतेवरच पुढचे गणेशोत्सव व्हावेत अशी माझी नम्र विनंती आहे. देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वर्सेस एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन ये डिबेट तो पूरे दुनिया भर में चलती है बट इसके बीच का रास्ता निकालना ये अपनी खासियत है और मुझे लगता है मुंबई में महाराष्ट्र में और अपने देश में ये दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली चल रही है. मैं अभी कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं करूँगा लेकिन उज्ज्वला गैस सप्लाई करना इसका मतलब है कि उस घर में जहाँ पर कोयला जल रहा था लकड़ा जल रहा था कार्बन इमर्ज हो रहा था वहाँ गैस पहुँच गया तो इसका मतलब एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन की दिशा में हम चल रहे हैं. मुझे लगता है हम उस दिशा में सही तरीके से चल रहे हैं. मुझे लगता है पेड़ कटने भी नहीं चाहिए और पेड़ नए लगने भी चाहिए.